जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई ताजी वीडियो लेकर हाजिर है। इस वीडियो में डिवोशनल पॉइंट आप सभी भक्तों को माता रानी की अद्भुत व अलौकिक यात्रा कराने वाला है, संपूर्ण यात्रा कराने वाला है लॉकडाउन के बाद में। वहीं आप सभी भक्तों को बताया जाएगा आप कैसे माता रानी की यात्रा कर सकते हैं, कैसे कोरोना संक्रमण की जांच करा सकते हैं। उससे पहले आप सभी भक्त हमारा नया चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है ट्रैवलर बास्केट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप ये चैनल यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको माता रानी से जुड़े सभी व्लॉग मिलेंगे, सभी यात्रा के व्लॉग मिलेंगे। इसलिए आप हमारे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसे आप माता रानी की यात्रा तक पहुंच सकते हैं। माता रानी की यात्रा में पहुंचने के लिए आप सभी भक्तों के पास उपाय आता है। सबसे पहला ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू तक ही ट्रेनें चल रही हैं, कटरा तक ट्रेनें नहीं चल रही हैं, भले आप किसी भी राज्य से क्यों ना आ रहे हो। अब हम बात करते हैं कैसे आप किसी भी राज्य से आके माता रानी की यात्रा ट्रेन से कर सकते हैं। सिर्फ मैं आप सभी भक्तों को बता दूं, एक ट्रेन चल रही है जो कि जम्मू तक चल रही है। जम्मू सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन आ रही है जिसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस कोविड स्पेशल। वो दिल्ली से बनकर चल रही है, किसी और राज्य से कोई भी ट्रेन नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं आपको कैसे आना है। अगर आप जम्मू पहुंचते हैं ट्रेन से तो आपका इस तरीके से कोरोना संक्रमण का जांच हो सकता है। अगर आप इस जांच से बचना चाहते हैं तो आप पहले अपने घर से कोरोना का टेस्ट कराकर चल सकते हैं। यहाँ पर शर्त ये होगी कि वो जो टेस्ट है जम्मू पहुंचने तक 48 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा पुराना हुआ तो आपको दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा, कुछ इसी तरीके से। वहीं उन भक्त की बात करते हैं जो कि बाय प्लेन आना चाहते हैं, बाय एयर आना चाहते हैं, उन सभी भक्तों के लिए भी यही सुझाव रहेगा। जब आप जम्मू पहुंचे यानी कि जम्मू आपका प्लेन लैंड करे, उससे पहले आपके पास एक कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट होनी चाहिए, कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, और सिर्फ 48 घंटे पुरानी ही रिपोर्ट मान्य होगी, वैलिड होगी। अगर 48 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट लेकर आप जम्मू आते हैं तो आपका वो कोरोना रिपोर्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको दोबारा कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। और अगर आप जांच कराते हैं तो उसमें हो सकता है आपका 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आए और तब तक आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। वही बात करते हैं उन भक्तों के बारे में जो कि अपने व्हीकल से आना चाहते हैं या फिर बाय रोड आना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। ऐसे सभी भक्तों को ज्यादा दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ सकता है, एक तो आपको कोरोना संक्रमण की जांच जो है वो करानी पड़ेगी अपने घर से ही, 48 घंटे पुरानी ही आपको रिपोर्ट लानी पड़ेगी। अगर आप 48 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट लाते हैं तो वो मान्य नहीं होगी, जैसे कि बाय ट्रेन और बाय एयर में भी रखा गया है। यहाँ पर अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको रोड पास यानी कि रोड परमिट भी लेना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास रोड परमिट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें। वहीं बढ़ते हैं माता रानी की यात्रा की तरफ, कैसे माता रानी की यात्रा हो रही है, पूरी संपूर्ण यात्रा आपको इस वीडियो में कराई जाएगी। इस वीडियो को सभी माता के भक्तों तक शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो आप सामने नजारा देख रहे हैं माता रानी की अद्भुत यात्रा का नजारा है, जो कि 21 अगस्त का नजारा है। आप सभी सामने देख रहे हैं यहाँ पर कटरा जो रोड है, जो कटरा चौक है वहाँ का नजारा, और यहाँ पर कुछ यही माहौल अभी बना हुआ है माता रानी की यात्रा में। यहाँ पर भक्तों की भारी कमी देखी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी यहाँ पर संक्रमण देखे गए हैं कोरोना वायरस के, इस वजह से ही भक्तों की यहाँ पर भीड़ नहीं देखी जा रही है, भक्त अपने घरों से निकलने में काफी संकोच कर रहे हैं। वहीं जो आप सामने देख रहे हैं यात्रा पर्ची काउंटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्रा पर्ची काउंटर पर कोई भीड़ नहीं है क्योंकि यात्रा पर्ची काउंटर पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर आप सभी भक्तों को निर्देश देना चाहूंगा, माता रानी की यात्रा करने से पहले आपको यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही करनी होगी। यात्रा पर्ची आपको माता वैष्णो देवी की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से करनी होगी। सुबह 5 बजे आप यात्रा पर्ची कर सकते हैं। अगर आप सुबह 5 बजे यात्रा पर्ची नहीं करते हैं तो शर्त के साथ कह सकता हूँ आप माता रानी की यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माता रानी की जो यात्रा हो रही है उसमें सिर्फ 100 लोग ही अन्य राज्यों से आकर यात्रा कर सकते हैं, बाकी 1900 लोग जेएनके से आके यात्रा कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर यात्रियों की, इसी तरीके से कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात है। अगर आप माता रानी की यात्रा करने आते हैं तो यहाँ पर आपकी कोरोना संक्रमण की जांच हो सकती है। अगर आपके पास जो कोविड की जो रिपोर्ट है यानी कि कोरोना की जो रिपोर्ट है वो 48 घंटे से ज्यादा पुरानी होती है तो यहाँ पर आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ नए निर्देश आए हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, जिसमें कहा गया है आप यात्रा तभी कर सकते हैं जब आपके पास 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट हो कोरोना की। अगर 48 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट आपके पास होती है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहीं आप सभी भक्तों के लिए एक और बड़ा सुझाव रहेगा माता रानी की यात्रा करने से पहले, अगस्त महीने में माता रानी की यात्रा पर रोजाना बारिश देखी जा रही है। जो आप सामने नजारा देख रहे हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साफ साफ बारिश हो रही है, सभी जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात देखने को मिल रही है। तो जब भी आप अपने घरों से चले छाता लाना ना भूले, रेनकोट लाना ना भूले, अन्यथा यात्रा करने में आपको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जयकारा अल्लाह वाली मैया का।
वहीं आगे बढ़ते हैं, सामने आप देख सकते हैं माता रानी की यात्रा का नजारा, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे यात्रा का नजारा बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर कुछ भक्त देखे जा सकते हैं जो कि अपने अपने राज्यों से निकल कर भी माता रानी की यात्रा करने आ रहे हैं। और यकीन मानिए इस समय माता रानी की यात्रा करना थोड़ा सा कठिनाई भरा हो जरूर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना जांच करने के बाद ही भक्तों को माता रानी की यात्रा करने दी जा रही है, जिसकी वजह से भक्त माता रानी की यात्रा पर आने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। और डरना भी यहाँ पर लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के केस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से माता रानी की यात्रा पर भक्त काफी कम मात्रा में आ रहे हैं, माता रानी की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और ये अपने आप में काफी बड़ा चिंता का विषय भी है। वहीं जो आप सही भक्त सामने नजारा देख रहे हैं, बाणगंगा का अद्भुत नजारा देख पा रहे हैं और यहाँ पर भारी बरसात के कारण जो पानी है बाणगंगा में उसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बाणगंगा काफी हद तक साफ हो गई है। आप सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा जब भी आप माता रानी की यात्रा करने आए तो माता रानी की यात्रा को, माता रानी की बाणगंगा को ज्यादा स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से जोर लगाएं और यहाँ पर कोशिश करें कि किसी भी तरीके से गंदगी ना फैल सके, और यही माता रानी भी आप सभी भक्तों से चाहेगी। जो आप सामने नजारा देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सभी दुकानें बंद है। आप सभी भक्तों को बता दूं, अगर आप माता रानी की यात्रा करना चाहते हैं तो अभी भी पूरी तरीके से कटरा मार्केट नहीं खुली है, कटरा के सभी होटल नहीं खुले हैं। तो अगर आप चाहते हैं माता रानी की यात्रा करना और किसी होटल में रुकना, तो आप होटल में रुकने से पहले आप होटल में कॉल कीजिएगा, वहां पर आप जानिएगा कि कोई होटल खुला है तो आप उसकी बुकिंग पहले ही करा सकते हैं। जो आप सामने नजारा देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर माता रानी की यात्रा पर सन्नाटा पसरा हुआ है, माता रानी की यात्रा पर भक्तों की भारी कमी देखी जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं अपना में बहुत ही बड़ी निराशाजनक बात भी है। और यहाँ पर अभी भी माता रानी की यात्रा को पहले जैसे शुरू होने में उम्मीद है महीनों लग जाएंगे, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। वहीं आप सही भक्त सामने देख रहे हैं किस तरीके से श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर सभी सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए, साफ रखने के लिए। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से भी कहना चाहूंगा, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। माता रानी की यात्रा को साफ रखने के लिए हमारा भी कर्तव्य जरूर बनता है। आप सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा, माता रानी की यात्रा हम सभी को मिलकर साफ रखनी है, स्वच्छ रखनी है, यही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता माता रानी की यात्रा को लेकर होनी चाहिए। वहीं आप सभी भक्त सामने नजारा देख सकते हैं किस तरीके से सभी दुकानें यहाँ पर बंद है, बहुत ही कम दुकानें आपको यात्रा के दौरान खुली मिलेंगी, और ये अपने आप में काफी बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ के सभी व्यापारी को ज्यादा नुकसान देखना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण सभी यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब आप यात्रा के दौरान आगे बढ़ेंगे और आपका कोरोना संक्रमण का जांच होगा, उसके बाद आपके हाथ पर कुछ इस तरीके से स्टैंप लगेगी और यही स्टैंप आपको ऊपर भवन पर या फिर अर्धकुंवारी के दौरान जब आप दर्शन करेंगे तो आपको दिखानी अनिवार्य हो सकती है। तो इसका आप खास ख्याल रखें, स्टैंप लगवाना कतई ना भूलें। वहीं आप सभी भक्तों सामने नजारा देख रहे हैं माता रानी के बाणगंगा घाट का नजारा देख रहे हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में भक्त डुबकी लगाया करते थे बाणगंगा में माता रानी की यात्रा पे आगे बढ़ने से पहले, प्रस्थान करने से पहले, और बाणगंगा में डुबकी लगाने के बाद अपने आप को पवित्र महसूस किया करते थे भक्त। एक अलग ही ताजगी देखने को मिला करती थी, जहाँ पर भक्तों की भारी कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भारी जयकारे सुनने को मिला करते थे भक्तों से यात्रा के दौरान, जो अभी नहीं सुनने को मिल रहे हैं। ये अपने में काफी ज्यादा निराशा हमें देखने को मिल रही है। हालांकि मैं यहाँ पर माता रानी से यही उम्मीद करता हूँ, माता रानी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि माता रानी आप सभी भक्तों की अरदास, सभी भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। माता रानी इस यात्रा को पहले जैसे फिर से शुरू करेगी, जिससे कि सभी भक्त माता रानी की यात्रा में आ सके, माता रानी की यात्रा को फिर से पहले जैसे कर सके, भारी मात्रा में भक्त आए, माता रानी की जयकारे लगाए, वही हमें सब माहौल पहले जैसा देखने को मिले। मैं माता रानी से यही उम्मीद करता हूँ, माता रानी आप सभी भक्तों को स्वस्थ रखे। तो अभी जो आप सामने नजारा देख रहे हैं माता रानी के बाणगंगा का नजारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो बाणगंगा है वो साफ हो चुकी है। यहाँ पर भारी मात्रा में आप देख सकते हैं पानी देखा जा सकता है, और कुछ यही स्तर है अभी बाणगंगा में पानी का, और यहाँ पर निर्मल जल है। यकीन मानिएगा, इस जल में अपने आप ही पवित्र महसूस करते हैं भक्त। जब भक्त यहाँ पर डुबकी लगा लेते हैं, भक्त बाणगंगा में स्नान करते हैं, तो अपना भी एक ताजगी का एहसास होता है भक्तों को, एक पवित्रता का एहसास होता है, और ये एहसास अपना अपने भक्तों को अलग ही एहसास कराता है।
वहीं जो आप सभी भक्त सामने नजारा देख रहे हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले चरण पाद का मंदिर का नजारा है, जो कि यात्रा में आने वाले एक मुख्य पड़ाव में से एक है। भक्त यहां पर आते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपनी यात्रा के लिए आगे प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिवोशनल पॉइंट आपको माता रानी के दर्शन भी करा रहा है। जो आप सामने देख रहे हैं माता रानी के चरण पाद का मंदिर के दर्शन है, आप सामने माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं आप सामने जो नजारा देख रहे हैं, देखिए कितना अद्भुत नजारा सामने बना हुआ है। मौसम कुछ इसी तरीके से यहां पर बना है, बहुत ज्यादा बादल है, बहुत ज्यादा बारिश है माता रानी की पूरी यात्रा में ही। वहीं आप सभी भक्त सामने देख सकते हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले भोजनालय भी यहां पर बंद हैं। सिर्फ तीन ही भोजनालय माता रानी की यात्रा में खुले हैं, पहला भोजनालय अर्धकुंवारी, दूसरा भवन और तीसरा भैरव घाटी। उसके अलावा कोई भी भोजनालय खुला नहीं मिला है। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी की यात्रा में आने वाले पहले प्रथम पड़ाव यानी कि अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में भी भक्तों की भारी कमी देखी जा सकती है। डिवोशनल पॉइंट एक ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप माता रानी की यात्रा घर बैठे कर पाए। सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल पॉइंट ने आप सभी भक्तों को पूरी यात्रा माता रानी की पूरी अद्भुत यात्रा लॉकडाउन के बाद में कराई है। इसलिए आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, आप सभी भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे लिए आप सभी भक्तों का ये सहयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा डिवोशनल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को सभी माता के भक्तों तक शेयर करना भी ना भूले। आप सामने देख सकते हैं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में भोजनालय खुला हुआ है और ये भोजनालय बंद नहीं है, आप यहाँ पर आके खाना खा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं अभी हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, जो अर्धकुंवारी माता रानी का मंदिर है, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता दूँ, आप अर्धकुंवारी में किसी भी जगह नहीं रुक सकते हैं, यानी कि यहाँ पर विश्राम करने की कोई भी आपको अनुमति नहीं मिलेगी। आपको यात्रा में चलते रहना है, भले ही वो बात करें भवन की, अर्धकुंवारी की या फिर भैरव बाबा की, आपको सेम ही डे यात्रा करनी है और सेम ही डे आपको नीचे कटरा वापस आना है माता रानी की दरबार में। आपको रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी, भले ही आप डॉर्मेट्री बेड बुक करने की सोच रहे हो या फिर आप धर्मशाला में रुकने की सोच रहे हो, यहाँ पर आपको दोनों ही जगह रुकने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। और ये जानकारी पूरी तरीके से सच है, इसलिए आप कतई भी ये सोचकर यात्रा ना करें कि आप यात्रा में ऊपर रुक सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं माता रानी का जो मंदिर परिसर है, अर्धकुंवारी मंदिर परिसर है, यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जाया करती थी, जहाँ पर भक्तों को दर्शन करने के लिए एक एक दिन से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा करता था और तभी भक्तों को दर्शन नहीं हुआ करते थे। और ये मंजर शायद ही पहली बार पूरी जिंदगी में देखने को मिला है किसी भी भक्त को, और ये अपने आप में काफी मायूस करने वाला भी यहाँ पर मंजर देखा जा सकता है। हालांकि अगर आप चाहते हैं माता रानी की अद्भुत दर्शन करना जो अर्धकुंवारी मंदिर है उसके, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको गुफा में अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ मंदिर परिसर में जाके सिर्फ और सिर्फ मंदिर के ही दर्शन कर सकते हैं, आप गुफा में अंदर नहीं जा सकते हैं, गुफा में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपको रुकने की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकल रूम की फैसिलिटी हालांकि आपको अर्धकुंवारी पर भी भवन पर भी दोनों ही जगह मिल जाएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी आप यात्रा करने आएंगे माता रानी की, तो आपको इस हिसाब से यात्रा शुरू करनी है कि आप सेम ही डे यात्रा शुरू करें और उसी दिन वापस कटरा भी आ जाएं। और आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी घोड़े खच्चर की सुविधा माता रानी की यात्रा पर नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी, रोप वे की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दी गई है, जो कि नहीं चल पा रही है मौसम खराब होने की वजह से। अब हम आगे बढ़ चुके हैं माता रानी के भवन की तरफ, हम प्रस्थान कर रहे हैं। और जो हम अभी माता रानी के भवन की तरफ जा रहे हैं, हम हिमकोटी मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। ये रास्ता ज्यादातर सभी भक्त इसका चुनाव करते हैं, इसी रास्ते का, और ये अपने आप में काफी सरल रास्ता माना जाता है माता रानी के भवन तक पहुंचने के लिए। वहीं आप सभी भक्त सामने देख सकते हैं हिमकोटी मार्ग पे भी किस तरीके से जो डोसा पॉइंट हुआ करता था, ये काफी फेमस जगह है जहाँ पे भक्त आया करते थे, भारी मात्रा में डोसा खाया करते थे। काफी अपने आप में ही फेमस जगह है और प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर भी ना तो डोसा मिल रहा है, ना ही यहाँ पर भोजनालय खुला हुआ है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, जब भी माता रानी की यात्रा पर आएंगे कुछ खाना आप अपने साथ जरूर लेकर आए। आपको रस्ते में जगह जगह पहले की तरह खाना कतई भी नहीं मिलने वाला है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। पहले की तरह यात्रा
बात कतई भी नहीं होने वाली है। जैसे माता रानी की यात्रा पहले बहुत ज्यादा आरामदेह हुआ करती थी, सरल हुआ करती थी, जगह जगह आपको खाने के लिए चीजें मिल जाया करती थी, अब वो नहीं मिलने वाली है। अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के जो भवन है उसके परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता दूं, पूरे ही वैष्णो देवी में अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, भले आप बात करें चंद की अर्धद्वारी की भवन की, तो यहाँ पर आपको कतई भी प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर भेड़ छोप भी बंद है। हालांकि यहाँ पर आपको लोकल की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको दर्शन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए आप सभी भक्त इस चीज का ध्यान रखें कि कतई भी कोई भी सामग्री नीचे से ऊपर ना लाएं, ये सोच के कि आप माता रानी के दर्शन करने जाएंगे और वहां पर आप उस सामग्री को उस सामान को चढ़ाएंगे, तो यहां पर आपको कतई भी अनुमति नहीं मिलने वाली है। सामने जो आप नजारा देख रहे हैं मनोकामना भवन का नजारा है, और यहां पर आप देख सकते हैं जो भोजनालय है वहां पर खाना मिल रहा है और यहां पर आके आप खाना खा सकते हैं। हालांकि यहां पर कुछ ही चुनिंदा चीजें आपको खाने में मिलेगी, जैसे चाय है, बिस्किट है, राजमा चावल, कढ़ी चावल और छोले चावल, कुछ इसी तरीके की चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है माता रानी की यात्रा के दौरान। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या
अब जो आप सामने नजर देख रहे हैं रोपवे का नजारा है, और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से रोपवे चल रहा है माता रानी के भवन में। जब भी आप माता रानी की यात्रा करने आएंगे तो आप माता रानी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए यानी कि भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपवे यहाँ पर पूरी तरीके से चल रहा है, हालांकि रोपवे में भी आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से कितने कम भक्त यात्रा कर रहे हैं एक बारी में, जहाँ पे एक बारी में 45 भक्त माता रानी की यात्रा करा करते थे। अब आप सामने नजारा देख रहे हैं, माता रानी के अद्भुत भवन का नजारा भी सामने आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर आप भैरव घाटी का भी नजारा देख सकते हैं, भैरव मंदिर का भी सामने आप नजारा देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी भक्तों की यात्रा संपूर्ण होती है। डिवोशनल पॉइंट आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा इस वीडियो को माता के सभी भक्तों तक शेयर करना ना भूले। आप सभी भक्तों की यात्रा डिवोशनल पॉइंट द्वारा संपूर्ण करा दी गई है। आप सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। वहीं आप सभी भक्त हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। हमारे नए चैनल को आप सभी भक्त यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम ट्रेवलर बास्केट है। हमारे नए चैनल पर आप माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी ताजा व्लॉग्स जान पाएंगे, देख पाएंगे, सभी जानकारियां भी जान पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।